अभी तक हमने क्या देखा, हम लोगों ने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के एप्लीकेशंस देखे कि साउंड बोर्ड कहाँ यूज होता है, स्टेथोस्कोप कैसे यूज होता है और मेगाफोन कैसे यूज होता है। इन सब की सारी कहानी मैंने क्या करा है, इसी व्हाइट बोर्ड पे हाथों हाथ ऐड भी कर दी है, ताकि जब मैं तुमको इसका पीडीएफ बनाकर दूं तो हमारे पास एक जगह पे सारी थियोरी एज वेल एज प्रैक्टिकल सारी कहानी अवेलेबल हो, ठीक है ना। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज क्या, रेंज ऑफ हियरिंग। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? रेंज ऑफ हियरिंग। अब ये जो रेंज ऑफ हियरिंग है हम लोग किसमें देख रहे हैं? ह्यूमंस में देख रहे हैं। किसमें देख रहे हैं? ह्यूमंस में। तो जो इंसान होते हैं, एक दूसरे को मत देखो, मुझे देखो, मैं हूं इंसान, ठीक है ना। हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है हियरिंग की, वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स। क्या होती है? 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स। किलो मतलब क्या? इंटू 1000। किलो मतलब क्या? इंटू 1000। यानी कि हमारी जो रेंज ऑफ हियरिंग हो गई वो क्या हो गई? 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। ये तो किसके टर्म्स में हुई? हुई इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या हुई? इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। कि भैया नॉर्मल इंसान, नॉर्मल इंसान की बात हो रही है गौरव, ठीक है ना। जो नॉर्मल इंसान है वो कम से कम कितना साउंड हेयर कर सकता है? 20 हर्ट्ज। ज्यादा से ज्यादा क्या कितना कर सकता है? 20,000 हर्ट्ज। ना इससे नीचे सुन सकता है ना इससे ऊपर। आई बात समझ में? और ये जो पूरी कहानी दी हुई हमको किसके टर्म्स में दी हुई है? इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। बट कभी कभी एग्जाम में वो लोग चीख चीख के मुझे बोलते हैं कि वेवलेंथ के टर्म्स में होता तो मैंने कहा टेंशन मत लो, हमारे बच्चे जो प्यारे और दुलारे हैं उन्हें पता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ क्या होता है, वेलोसिटी। इसका मतलब वेवलेंथ क्या होगा? वेलोसिटी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी होती है? 340 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने कहा अगर मुझे यही रेंज निकालनी है टाइम में इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ में, तो मैं क्या कर दूंगी? 340 यानी कि वेलोसिटी अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितना? 20 मीटर टू 340 अपॉन में 20,000 मीटर्स। कौन कहता है कि फिजिक्स टफ है? कोई बात नहीं। तो द पॉइंट इज कि इधर पे तुम सॉल्व करने को जाओगे तो यहाँ तो बहुत प्यारा आंसर आ जाएगा 17 मीटर्स, और इधर पे आओगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.017 मीटर्स। तो अगर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ बात करें, अगर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ बात करें तो मेरी रेंज कितनी होगी? 0.017 मीटर्स टू 17 मीटर। ओके क्या? तो फिर उन साउंड्स को क्या कहते हैं जो लेस देन 20 हर्ट्स होते हैं? तो मैंने कहा जो लेस देन 20 हर्ट्स होंगे उन्हें तो हम लोग क्या कहेंगे? इंफ्रा साउंड्स। क्या कहेंगे? और जो मोर देन 20 किलो हर्ट्स होंगे, 20 किलो हर्ट्स मतलब क्या? 20,000 हर्ट्स, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? अल्ट्रासाउंड। आई क्या बात समझ में? ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड की क्या कहानी। तो अब हम लोग ने क्या देखा कि फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्स क्या है तुम्हारा? इंफ्रासाउंड जो कौन कौन निकालेगा? राइनोसेरस। राइनोसेरस कितना निकालते हैं? लेस देन 5 हर्ट्स। और इसके अलावा अर्थक्वेक्स भी जो रहते हैं वो लेस देन 5 हर्ट्स पे आते हैं। सिमिलरली मोर देन 20 किलो हर्ट्स कौन कौन होगा? डॉल्फिन, बैट, पॉर्पोइज़, मॉथ्स और रैट्स। ये सारे जानवर क्या कर सकते हैं? अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और सेंस भी कर सकते हैं। बोलो, कोई परेशानी? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। देखो, अब सबसे पहला एप्लीकेशन अल्ट्रासाउंड का क्या है? क्लीनिंग डिफिकल्ट टू क्लीन पार्ट्स ऑफ अ मशीन, जैसे कि स्पाइरल ट्यूब हो गया या ऑड शेप पार्ट्स हो गया। तो हमने कहा जिस भी चीज को मुझे क्या करना रहेगा? क्लीन करना होगा। मानो ये कुछ ऊटपटांग तरीके का ऐसा इंट्रिकेट सा क्या है, किसी चीज का पार्ट है जिसको मुझे क्लीन करना है, तो इसको मैं क्या कर दूंगी? एक क्लीनिंग सोल्यूशन में डाल दूंगी। कहाँ डाल दूंगी? क्लीनिंग सोल्यूशन। और इस क्लीनिंग सोल्यूशन से मैं क्या पास करूंगी? अल्ट्रासाउंड वेव्स। क्या पास करूंगी? अल्ट्रासाउंड वेव्स। अब क्योंकि अल्ट्रासाउंड वेव्स क्या होती है? बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी वाली वेव्स होती है। तो ये क्लीनिंग सोल्यूशन धड़ 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 घूमेगा, इसके अंदर से बाहर से सब जगह से डर्ट, डस्ट, ग्रीस सब क्या कर देगा?
इसे डिटैच कर देगा और ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। सेकेंड है टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स। क्या होता है, जब ब्रिजेस बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती है, तो क्या होता है, बहुत सारे मेटल ब्लॉक्स इसमें लगते हैं, लेकिन कभी कभी इन मेटल ब्लॉक्स में क्या हो सकते हैं, होल्स हो सकते हैं या डिफेक्ट हो सकते हैं। तो हम लोग इधर पे क्या करते हैं, एक सोर्स लगाते हैं अल्ट्रासाउंड का, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमीटर, और इस तरफ पे क्या लगाते हैं, डिटेक्टर लगा देते हैं। यानी कि अगर कहीं होल हुआ या कोई क्रैक हुआ, तो अगर क्रैक होल नहीं है तो ये वेव्स कैसी चली जाएगी, सीधी सीधी चली जाएगी, और डिटेक्टर इनको क्या कर लेगा, डिटेक्ट भी कर लेगा। लेकिन क्रैक हो गया, होल है, तो ये ऐसी आएगी, और ऐसी की ऐसी क्या चले जाएगी, वापस चले जाएगी, जिससे क्या समझ में आएगा कि ये मेटल ब्लॉक में कुछ है, जिस वजह से जो मेरी वेव्स है वो डिटेक्टर तक पहुंच नहीं पाई। ठीक है, नेक्स्ट कहानी है मेडिकल एप्लीकेशंस। तो सबसे पहली मेडिकल एप्लीकेशन इसकी कौन सी है, इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी का मतलब क्या होता है कि जब अल्ट्रासाउंड वेव्स आप हार्ट से पास करोगे, हार्ट के अलग अलग पार्ट से, तो हार्ट के अलग अलग पार्ट की क्या बनने लग जाएगी, इमेजेस बनने लग जाएगी, और इस हार्ट की इमेज बनाने की टेक्निक को ही हम लोग क्या कहते हैं, इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है ना। फिर सेकेंड देखा मेडिकल में, अल्ट्रासाउंड स्कैनर जो रहता है, एक इंस्ट्रूमेंट रहता है। देखो अल्ट्रासाउंड की प्रॉपर्टी, जैसे ही टिश्यू डेंसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि ये कार्टिलेज से बोन पे गई तो क्या हो जाएगी, टिश्यू डेंसिटी चेंज हो गई, तो ऐसे में ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जैसे ही टिश्यू डेंसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये रिफ्लेक्ट होके हम लोग क्या करेंगे, एक सेंसिटिव स्क्रीन पे इसको ले लेंगे, जहां पर ये सारे जो रिफ्लेक्शंस हैं इनको हम लोग टाइम में कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हम उन इंटरनल बॉडी पार्ट्स की क्या कर लेंगे, इमेजेस क्रिएट कर लेंगे। इसी टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी। और यही अल्ट्रासोनोग्राफी जो रहती है वो बच्चों का डेवलपमेंट, मतलब फीटस का डेवलपमेंट मदर के वूम के अंदर, बोलते हैं ना सोनोग्राफी के लिए जा रही है प्रेग्नेंट वुमेन, तो उसमें क्या होता है, बच्चे के बॉडी की इमेजेस दिखती है। तो वो जो अल्ट्रासोनोग्राफी रहती है, बेसिकली वो क्या होती है, यूज होती है फीटस को एग्जामिन करने के लिए, कि इसके अंदर, वूम के अंदर ही कोई बर्थ या कॉन्जीनियल डिफेक्ट ना हो। ठीक है। और लास्ट होता है किडनी स्टोन्स ब्रेक करने का। किडनी स्टोन्स ब्रेक करना मतलब क्या होता है, जो हमारी किडनी रहती है उसे पथरी हो जाती है, सुना होगा तुम लोगों ने, कैल्शियम पानी कम पीने से कैल्शियम कार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स की क्या होने लगती है, लेयर जमने लगती है, जो बहुत पेनफुल होती है। तो ऐसे में क्या होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये अल्ट्रासाउंड भेजते हैं किडनी के अंदर, वेव्स भेजते हैं, और ये जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बड़े बड़े किडनी स्टोन्स होते हैं, इसको ये छोटे छोटे ग्रेन्स में क्या करती है, ऐसे ब्रेक कर देती है, ताकि ये यूरिन के साथ क्या हो जाए, बाहर आ जाए। इज दैट क्लियर। तो ये क्या है, सारी तुम्हारी एप्लीकेशन है किसकी, अल्ट्रासाउंड की। बोलो, कोई परेशानी।